बटाला के अशोक कुमार निवासी भंडारी गेट जो कि साइकिल के ऊपर गांव गांव जाकर कपड़ा बेचने का काम करता था, वह मंगलवार की रात को काम खत्म करके साइकिल के ऊपर घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में अलीवाल रोड पर पेट्रोल पंप के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उसको रोककर उसके ऊपर तेजधार हथियारों से हमला कर उसको खून से लथपथ कर मौके पर छोड़कर भाग गए। साथ ही इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए वहां के कुछ स्थानिक लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसको उठाया और अस्पताल ले गई, लेकिन जांच के दौरान सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, यह लूट का मामला भी नहीं है, क्योंकि जो पैसे उनकी जेब में थे वह निकाले नहीं गए थे। पुलिस थाना सदर के प्रभारी कुलविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में उनको मृतक के बेटे के बयान के ऊपर कातलों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे फादर साहब लगे मेरे फादर साहब ने, इन्हों नाम अशोक कुमार जी, ये घट्टो घट्ट 25 साल तो कपड़े की फेरी का काम करते रहे हैं, तो डेली अप डाउन करते से आते नहीं, कोई इदा की गलबात नहीं सी। कल शाम ये वापस आ रहे थे, इन्होंने रस्ते से बंदे पै गए हैं, उन्होंने किरछा कुरछा मारियाँ तो मार के सुट गए हैं। सानू कोई 7:30 पौने 8 बजे सू मैसेज मिलया कि इदा का फादर साहब सिविल होस्पिटल दाखिल ने, तो उन्होंने जल्दी जल्दी उत्थे जाके सू डेड बॉडी मिली और कुछ नहीं मिले। तो इन्होंने उत्तर पैसे वगैरह इन्होंने कोल से, इन्होंने वापसी आ रहे थे, तो उपर कुछ डेड बॉडी के उपर खिलरे हुए थे, बाकी पता नहीं वो लै गए या पता नहीं की किया उन्होंने, मार के सुट गए थे। सर उन्होंने घट्टो घट नहीं 3-4 किरछा वजिया, एक तो उन्होंने इतने गले से मारी है, एक इतने लीवर से मारी है, एक दो इतने हाथ से मारी उन्होंने, यानी कि उन्होंने हथों पाई काफ़ी होए ने, यानी कि घट्टो घट नहीं 3-4 के करीब वो बंदे से जिन्होंने हमला किया वा तेजदार हथियारों के नाल। दुश्मनी तो कोई नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम तो आ जा रहे हैं, सवेरे भी आप गए थे, रात भी गए, लागे लागे पिंड पता किया वा, पर वो कहें इतने कोई गलबात नहीं, बहुत ज़्यादा यानी कि बंदा भला मान सी साढ़े घर वाली गल है, कोई पिंड ही कहता वो तो सुन के हैरान हो गए कि यह सीन हो गया वा। सू सगो सुनिया भी पिंड वाले ने भेजा बटाले कि इदा इदा उन्होंने एक्सीडेंट हो गया वा, अलीवाल तो सू मैसेज आ मिले कि इदा का उन्होंने उन्होंने मार के सुट गए हैं, तो सिविल होस्पिटल लैके गए बस। तो हूँ देखने से आईए जो उन्होंने पैसे खिल रहे हैं उपर बॉडी के उत्ते, तो लुट खो आप कहने कि हो नहीं सकता, जो लुट खो करनी होंगी तो 1,200 रुपया उन्होंने पॉकेट के मैं कटिया वा जो बॉडी इतने लिया, बट पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि लुट खो का मामला से, जिन्ना का उन्होंने मिलिया वो लै गए ने, बाकी वो सुट के उत्थे चल गए ने। की चाहते हो सर? असी तो यही चाहते हैं कि जिन्होंने कतल किया उन्होंने जल्द तो जल्द गिरफ्तार कर, सज़ा दें। कल एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक कपड़े वाला साइकिल पर फेरी लाता से, जो अलीवाल रोड से बटाले साइड में आ रहा है, तो कालों पंप के नेड़े उन्होंने कोई तेज़ हथियार के नाल कतल कर गया। इन्फॉर्मेशन मिलने पर असी जो पहुँचे तो वो बेटे के बयान पर असी FIR नंबर 31 रजिस्टर की है, जिंद तफ्तीश बड़ी डूंगाई चल रही है, जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई असी अमल च लिया।